आज छुट्टी का दिन है और पुणे में मेट्रो चालू होके बहुत दिन हो गए, तो हमने सोचा कि मेट्रो से सैर करके आते हैं। और एक स्पेशल प्लेस है जहाँ पे हमें आपको लेके जाना है, बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो अभी हम मेट्रो के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे मेट्रो आएगी तो उसके बाद निकलते हैं। मेट्रो से इन नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं सिविल कोर्ट स्टेशन पे। सिविल कोर्ट सेंट्रल स्टेशन है जहां से हमें मेट्रो चेंज करके पुणे स्टेशन जाना होता है। सिविल कोर्ट से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं पुणे स्टेशन और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं येरवडा की तरफ। तो कभी भीड़ से भरी इस बस से, तो कभी शेयरिंग ऑटो से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज जिस जगह पे मैं जाने वाली हूँ, तो ये जगह के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले सुना था और मेट्रो से भी घूमना था, तो मैंने सोचा कि मेट्रो से ही इस जगह पे जाते हैं। और फिर वहाँ पे जाने के लिए मैंने पिंपरी चिंचवड से मेट्रो में बैठ गई और मेट्रो से मैं आई पुणे स्टेशन तक। फिर पुणे स्टेशन से येरवडा तक मैंने PMT से ट्रैवल किया और फिर वहाँ से मैंने शेयर ऑटो ले लिया। अभी शेयर ऑटो ने मुझे थोड़ा दूर छोड़ा है, तो मैं अभी चलते चलते जा रही हूँ येरवडा जेल तक। जिस जगह से हमें जाना है वो जगह जो है वो येरवडा जेल के एग्जैक्टली साइड में है। चलिए चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1871 में ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया ये जेल साउथ एशिया के सबसे बड़े जेलों में से एक है। येरवडा जेल 500 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे 5000 से भी ज्यादा प्रिजनर्स हैं। हमें लगा था वो जो प्लेस है वो येरवडा जेल के साइड में है, बट ऐसा नहीं है। हम येरवडा जेल से भी थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ पे कॉमन जोन करके बिल्डिंग है और उसके बैक साइड एरिया में वो जो प्लेस है वो है। तो चलिए चलते हैं। ये है श्रृंखला उपहार गृह जो प्रिजनर्स द्वारा चलाया जाता है। 9 अगस्त 2023 को इस रेस्टोरेंट को प्रिजनर्स के पुनर्वास के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आज छुट्टी का दिन होने के कारण यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है, मगर वीकडेज में यहाँ पर बैठने के लिए जगह मिलना भी मुश्किल होता है। हमने यहाँ पर पाव भाजी, वड़ा पाव और चाय ऑर्डर किया था और टेस्ट वाइज फूड जेन्युइनली अच्छा था। यहाँ पे सारे वेटर्स भी बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे और क्लीनिंग, हाइजीन और सर्विस भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा था। मुझे एक भी बार फील नहीं हुआ कि ये सारे प्रिजनर्स हैं और यहाँ पे सारा काम प्रिजनर्स द्वारा ही संभाला जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारे अपना काम इतना एंजॉय करके कर रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।